कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच गोवा में फिर से स्कूल खोले जाएंगे। 21 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल कोविड दिशा निर्देशों के साथ खोले जाएंगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह लगभग 8:01 पर राजस्थान से 52 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 3.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 232 यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसराइल में एक अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, यहां एक किसान ने दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी उगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 25,920 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 452 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें से 360 किलो गांजा बरामद हुआ है। गाड़ी के ड्राइवर और एक व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के उडुपी के एडिशनल एसपी एसटी सिद्धलिंगपा ने कहा कि उडुपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शांतिपूर्ण है, सभी स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। अल्बर्टा एनडीपी पार्टी ने पंजाबी मूल के गुरिंदर बराड़ को विधानसभा हलका उत्तर पूर्व कैलगरी के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। थाने जिले के शाहपुर तहसील के वहलोली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई। फिलहाल बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उनके नमूने पुणे की एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया।